नमस्कार। आज हम लोग पुरुष साम्यता पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं, जो कि चरक शारीर 5 यानी कि हमारा पुरुष विजय शारीर में वर्णित है। तो एक तरफ हम देखेंगे लोक में मिलने वाले भाव, जिनका हम पुरुष में मिलने वाले भावों से समन्वय कर सकते हैं। तो पहला भाव आता है पृथ्वी। पृथ्वी का समन्वय कर सकते हैं हम लोग मूर्ति से। तो कैसे याद रखते हैं कि पृथ्वी से हमें मिट्टी मिलती है और मिट्टी से हम लोग मूर्ति बनाते हैं। तो पृथ्वी का भाव क्या हो जाएगा, पुरुष के सामने मूर्ति। नेक्स्ट आता है अप। अप यानी कि जल। जल का करते हैं हम क्लेद से। कैसे याद करते हैं कि जल में जब हम बहुत सारी धूल मिला देते हैं तो उससे क्लेद बन जाता है, यानी कि कीचड़ बन जाता है। नेक्स्ट है तेज। तेज को करते हैं अभिसंताप से। कैसे याद करते हैं कि तेज में यानी कि अग्नि में हम लोग हाथ तापते हैं, तो तापना यानी कि अभिसंताप। नेक्स्ट है वायु। वायु का प्राण कैसे याद करते हैं, वायु का ही 5 भेद है, 5 भेद में से एक आता है हमारा प्राणवायु, तो वायु का प्राण। नेक्स्ट है आकाश या फिर वियत भी इसको बोलते हैं, करते हैं इसको किससे, सुशीर से कोरिलेट। कैसे याद करते हैं कि जब बारिश होती है तो बच्चे पूछते हैं कि आकाश में से पानी कहाँ से आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कि आकाश में बहुत सारे छेद हो गए हैं, तो छेद हो जाना यानी कि वो खोखला है, वहाँ पे जो है सुशीरता है, तो इसीलिए आकाश का कोरिलेट करते हैं हम लोग सुशीर से। नेक्स्ट है तम। तम से है हमारा मोह। कैसे याद करेंगे, तम के लास्ट में माँ है और मोह के शुरुआत में माँ है, तो तम और मोह के दोनों में माँ माँ है, तो उसको हम लोग कोरिलेट करके याद करते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म। ब्रह्म में है अंतरात्मा। कैसे याद करेंगे कि ब्रह्मा जी ने ही सभी आत्मा का निर्माण किया है, इसीलिए सभी की अंतरात्मा में ब्रह्मा जी का वास है, तो ब्रह्मा से अंतरात्मा। नेक्स्ट ब्रह्म की विभूति। तो अब क्योंकि ब्रह्मा का अंतरात्मा से है, तो फिर ब्रह्म की विभूति से हमारा अंतरात्मा की विभूति हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्म की विभूति प्रजापति। तो कैसे याद करते हैं, प्रजा का मन बहुत अच्छा होता है, इसलिए प्रजापति वाले में मन आ जाता है। नेक्स्ट है विश्वदेव, जो कि क्या है, इंद्रिया या फिर इंद्रियात। कैसे याद करते हैं कि जो देवता है, देवताओं के पास बहुत सारा अर्थ होता है, अर्थ यानी कि धन होता है, तो अर्थ से हम लोग इंद्रियार्थ याद करते हैं और इंद्रियार्थ से भी हम लोग को इंद्रिया याद हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार को कांति से कैसे याद करते हैं, कुमार यानी कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में एक अलग सी चमक पाई जाती है, चमक यानी कि कांति पाई जाती है। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र का करते हैं अहंकार से। कैसे याद करते हैं कि इंद्र को, भगवान इंद्र को अपने आप पे बहुत अहंकार था, क्योंकि उनके पास सिंहासन था। नेक्स्ट है सृष्टि। सृष्टि को कोरिलेट करते हैं हम गर्भाधान से। कैसे याद करते हैं कि यह जो सृष्टि है वो गर्भाधान से ही आगे चल रही है। नेक्स्ट आता है जो अब ये जो हमारे युग आ रहे हैं, इन युगों को हमें सीक्वेंस में याद करना है। पहले कृत युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग और फिर लास्ट में हमारा युगांत। फिर इसी तरह से हम जो पुरुष भाव है उनको भी हम लोग सीक्वेंस में याद करते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, रुग्णावस्था और मरण। कैसे या? और इसी को हम लोग इसी सीक्वेंस में याद करते हैं और लास्ट में कैसे याद करेंगे कि युगांत यानी कि युग के अंत में सभी को मरना ही है। नेक्स्ट है वसु। वसु को करते हैं सुख से। कैसे याद करते हैं कि भगवान वसुदेव को बहुत सुख मिलता था जब वो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं देखते थे, तो वसु से ही हो जाएगा हमारा सुख। नेक्स्ट है ज्योति, ज्ञान। कैसे याद करते हैं कि अच्छी ज्योति अगर होती है तो उससे हमें अच्छा ज्ञान मिलता है, ठीक है, अगर नेत्र की ज्योति अच्छी होती है तो उससे हमें अच्छा ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट है सोम को याद करते हैं प्रसाद से। कैसे याद करते हैं कि 16 सोमवार का व्रत रखने से प्रसाद मिलता है। नेक्स्ट है मारुत में आया उत्साह। अब इसको मारुत का मतलब ही हमारा वायु होता है, और हम लोग जब वायु के कर्म पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास ऐसे करके, तो वायु के कर्म में हमारा एक उत्साह भी आता है, तो इसीलिए मारुत से हम कोरिलेट करते हैं किसको, उत्साह से, ठीक है। लेकिन हमको इसमें याद रखना है, अगर हमसे वायु देता है ऑप्शन में तो वायु का हो जाता है हमारा प्राण, और मारुत अगर आता है तो मारुत का हो जाता है उत्साह। नेक्स्ट है आदित्य। आदित्य से आदान। कैसे याद करेंगे, आ दोनों में कॉमन आ रहा है, आदित्य में भी आ और आदान में भी आ। नेक्स्ट है रुद्र। रुद्र में है रोष यानी कि क्रोध। तो हमें पता है भगवान रुद्र यानी कि जो भगवान शंकर जी हैं उनको बहुत अधिक क्रोध आता है, ठीक है, तो ऐसे याद करते हैं, जबकि भगवान इंद्र थे उनको अपने ऊपर अहंकार था। तो धन्यवाद, ये हमारा टॉपिक कम्प्लीट हुआ।